सो पीपल हियर, माय नेम इज सौरभ सिंह, मैं फाइनल ईयर बी एस हूँ और मैं शायरी लिखता हूँ। वैसे नहीं कि मैं शायर हूँ या फिर इतना बड़ा शायर हूँ, बस जो भी टाइम पास के लिए लिखता हूँ वैसे लिखता हूँ। तो पिछली बार भी मैंने कुछ लिखा था, आप लोगों को सुनाया था, इस बार मैं उसी स्टोरीज को कंटिन्यू करना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक रिलेशनशिप में ना क्या क्या होता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एंड होने के बाद फिर से नया स्टार्ट होने तक क्या क्या हो सकता। तो अभी हम पिछली बार हमने स्टार्ट किया था, हमारा मतलब लड़की को देख लिया था वगैरह वगैरह हो गया था, वो प्यार हो गया, अभी ब्रेकअप हो गया था हमारी पिछली कहानी। तो आपको स्टार्टिंग ये बता मतलब एंड बताता हूँ, हम लोग फिर से आप लोग जो नए हैं उनको हम लोग फिर से वो वाली स्टोरी पे लेके जाएंगे, थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे। तो पहला है कि अभी सोचो जब ब्रेकअप होता है ना, तुम एक बार मतलब लड़की तो ऑब्वियसली गुस्से में होती है, हमेशा ये होता है कि जब ब्रेकअप होता है तो लाइक यू आर वेरी एंग्री बीइंग अ गाय। कोई भी हो, गलती किसकी भी हो, तुम्हारी हो, उसकी हो, तुम होगे, तुम गुस्सा हो, एग्जाम तुम उस पर ही डालोगे। तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा था कि मुद्दतों में दिल किसी का मुझसा ना टूटा होगा, मुद्दतों में दिल किसी का मुझसा ना टूटा होगा, आशिकों के मिसालों में हम दोनों का नाम होगा। अब देते हैं ना मिसाल, देते हैं ना कि हीर रांझा वगैरह वगैरह, हमारा भी नाम होगा। मुद्दतों में दिल किसी का मुझसा ना टूटा होगा, आशिकों के मिसालों में हम दोनों का नाम होगा, मेरी वफा के सहारे तूने ये मुकाम हासिल किया। मतलब मैंने उसको इतना प्यार किया था कि वो उसको मतलब उसके बारे में, हमारे बारे में बताया जाएगा, उसका नाम वहाँ पे होगा कि प्यार में ये सब हुआ, कि मेरी वफा के सहारे तुझे ये मुकाम हासिल हुआ। मुद्दतों में दिल किसी का मुझसा ना टूटा होगा, आशिकों के मिसालों में हम दोनों का नाम होगा, मेरी वफा के सहारे तूने ये मुकाम हासिल किया होगा, मेरी वफा के सहारे तूने ये मुकाम हासिल किया होगा, बेवफा में सबसे ऊपर तेरा ही नाम होगा। शुक्रिया। तो जो भी नए लोग हैं, तो मैं मतलब अभी तुम्हें पता चल गया कि मैं किसी मतलब किसी के बारे में बोल रहा हूँ, तो वो जानना भी चाहिए ना कि तुम लोगों को कि कौन है, कैसी दिखती थी वगैरह वगैरह। तो मैं कुछ इधर उधर की बताता हूँ कि कैसी दिखती थी वगैरह। तो सोचो तुमने पहली बार, मैंने पिछली बार भी बोला था कि उसको व्हेन यू सी समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसको तुम मतलब चाहते हो वगैरह कुछ भी हो, व्हेन यू सी हर फॉर द फर्स्ट टाइम यू रिमेंबर दैट पिक्चर ऑलवेज। वो चाहे व्हाट्सएप पर आया हो फर्स्ट पिक्चर हो जिस जो उसने भेजा हो, वो तुम्हें अच्छे से याद रहेगा। तो जो मुझे आया था, जो मैंने देखा था, तो मैं बताता हूँ कि आई डिस्क्राइब कि क्या कैसी थी, क्या थी। सलवार सूट पहन के पानी के किनारे बैठी हो, हाथों में मेहंदी और आंखों में काजल लगाकर बैठी हो। सलवार सूट पहन के पानी के किनारे बैठी हो, हाथों में मेहंदी और आंखों में काजल लगाकर बैठी हो। वो गले का हार, कान की बालियां और चूड़ियां जो उसने पहनी थी ना, कि वो गले का हार, कान की बालियां और चूड़ियां चीख चीख कर कह रही है कि हद से ज्यादा खूबसूरत होने की गुनाह कर बैठी हो। शुक्रिया। तो फिर ऐसा हुआ कि मुझे ना पता नहीं क्यों कि आंखों से ज्यादा लगाव है, मतलब आईज दिस है ना कि आईज आर द विंडो टू द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो मैंने पिछली बार बोला था कि मुझे ना आंखों से बहुत लगाव है, मैंने दूसरों की आंखों में अपनी दुनिया देखी है और अपनी आंखों में उनको बसाया। तो फिर ऐसा हुआ कि ये जो जो भी हुआ, तो मैंने एक बार लिखा था कि एक बहुत आँखों में हम बात करें कि किसी की आँखें थी, मतलब मैं उससे देख रहा था, मेरे दोस्त ने बोला यार नहीं यार ये बहुत नेक्स्ट लेवल है, नहीं पटेगी। लिटरली उसने यही बोला कि नेक्स्ट लेवल है, छोड़ दे, कोई ट्राई भी मत कर। बहुत लोगों ने ट्राई करके छोड़ दिया। मैंने उसको यही बोला था कि यार देखा उसकी आँखें कितनी अच्छी हैं, तो उसने ये रिप्लाई दिया था। तो मैंने उसको बोला था कि ना तीर में ना तलवार में तेरी आंखों में वो धार, लड़की को बोल रहा मैं, ना तीर में ना तलवार में तेरी आंखों में वो धार। मेरा पूरा नाम सौरभ सिंह राजपूत है, तो ये आपको समझ में आएगा। ना तीर में ना तलवार में तेरी आंखों में वो धार, राजपूत के छोरे हम भी नैन लड़ाए बार बार। लेकिन क्या है कि वो लड़की चश्मा में बोला तेरे आंखों के समंदर में डूब के मर जाता, तेरे चश्मों ने मेरी जान बचा ली।
अभी अभी 11 बजे तक रुको, 11 बजे तक रुको, अभी 10 मिनट फिर क्या होगा? रुको रुको सब रुको। तो अब थोड़ा सा जान लिया ऐसे कि हम लोग एक स्टोरी टेलिंग होता है ना, मिस्ट्री स्टोरी टेलिंग, कि कहीं से शुरू होता है, कहीं पेंड होता है, फिर इंट्रोडक्शन होता है। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा लोगों को कि मैं मतलब मैं कैसा हूँ, मैं क्या सोचता हूँ वगैरह, कि वक्त के साए में मैं कहीं गुम नहीं होना चाहता, वक्त के साए में मैं कहीं गुम नहीं होना चाहता, रायस की ज़िंदगी मैं जीना नहीं चाहता, रायस मीन्स ऑर्डिनरी। तो वक्त के साए में मैं कहीं गुम नहीं होना चाहता, रायस की ज़िंदगी मैं जीना नहीं चाहता, चाहे लगा लो खुदगर्जी का इल्जाम मुझ पर, से दैट आई एम सेल्फिश, मैं कुछ नहीं बोल रहा, चाहे लगा लो खुदगर्जी का इल्जाम मुझ पर, मैं बदनाम ही सही पर गुमनाम नहीं होना चाहता। मुझे ऐसा है कि अरे यार हम लोग हैं, मतलब लाइफ यू नो स्टार्ट है, एक एंड है, छोटा सा लाइफ है, चार दिन की जिंदगी है, चार लाइन में खत्म हो जाती है। मैंने पिछली बार यही बोला था कि चार दिन की जिंदगी चार लाइन में खत्म हो जाएगी, तो बस यहाँ पे हमें जो लेगेसी हम लीव कर रहे हैं बस अपना नाम है, नेम स्टेज फॉर एवर। हम लोग जो भी यहाँ पे कर रहे हैं, तुमने अपना नाम दिया, वो यहाँ पे रिकॉर्डेड है वगैरह, आगे हमारे बाद भी होगा, नेम स्टेज फॉर एवर। तो ये बस मैं अपने बारे में बता रहा था। हम लोग फिर से ना यहाँ पे चलते हैं, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं जो पिछली बार छोड़ी थी। तो सिर्फ स्टोरी पे बस यही चल रहा है जिंदगी में, दूसरे लोगों को टेक्स्ट करने के लिए अपना हॉटस्पॉट दे रहे हैं। ये सभी ना मैं पहले सुन चुका हूँ, मतलब सर चिपका भी चुका है कुछ लोगों को। स्पेक्स से बचा लिया, छोड़, अब स्पेक्स पे हो गया हो गया। अभी हम लोग आते हैं ना, कि मैंने बोला ना कि एक रिलेशनशिप में होता है कि तुम अभी पीक स्टेज है, मतलब जहाँ पे तुम उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हो, पीक स्टेज है, तो फिर उसकी हर छोटी चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है, वो तुम्हें गाली दे तुम वो भी अच्छी लगती है, तुम बोले अरे कितना क्यूट से गाली दे। तो फिर उस टाइम पे ऐसा होता है कि अगर कहीं पे भी तुम लोग जाए, मतलब एवरीथिंग ऐसा है, मैंने बोला ना अगर तुम लोग कहीं बाहर भी जाते तो उसको रिटर्न जाना होता है घर को। फिर मैं भी गया तो उसको जाना था, तो मैंने वहाँ पे अब वो जा चुकी है, लेकिन मुझे वहाँ से जाने का ये नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे थी मेरे साथ, अब तक वहाँ पे उसका एक प्रेजेंस था। तो मैंने लिखा था कि बिछड़ कर तुझसे मैं कुछ इस तरह बिखर रहा हूँ, बिछड़ कर तुझसे मैं कुछ इस तरह बिखर रहा हूँ, घर पास है मेरा फिर भी मैं रुक रुक के चल रहा हूँ, मेरा घर यहीं के पास है लेकिन उसका प्रेजेंस वहाँ पे है ना। तो मैं बिछड़ कर तुझसे मैं कुछ इस तरह बिखर रहा हूँ, घर पास है मेरा फिर भी रुक रुक के चल रहा हूँ, तेरी मौजूदगी हर कदम पे दूर हो रही मुझसे, तेरी मौजूदगी हर कदम पे मुझसे दूर हो रही, तुझसे दूर जाना है सही पर देर से जा रहा हूँ। अब फिर से मतलब हम लोगों ना ये जंप करेंगे, वी आर वेरी गुड एट जंपिंग टू कंक्लूजन्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जंपिंग टू लाइक फिर से एंड। तो एकदम सेम शिप, अभी प्यार हो गया था, ये साला मतलब पैरेलल वर्ल्ड, जैसे जिस पैरेलल वर्ल्ड में ये रहता ना, जो पहले आया था जहाँ पे इसको सारी लड़कियाँ मिल रही थी, यहाँ पे इस पैरेलल वर्ल्ड में इसकी लड़की चली गई। तो फिर वहाँ पे उसके कि अब तुम हो गया ना, उस टाइम पे ये बताते हो कि तुम लाइक यू एक्ट स्ट्रॉन्ग, एक्ट स्ट्रॉन्ग, यू लाइक यू जस्ट शो दैट यू आर एक्टिंग स्ट्रॉन्ग, पर कुछ भी हो सकता है दैट ब्रेकअप स्टेज, नोबडी नोस कि हर एक बंदा कैसे लेगा अपने पे। तो वहाँ पे कि जाने पे उसके ये दिल बहुत रोया था, जाने पे उसके ये दिल बहुत रोया है, इश्क में ऐसा जालिम वक्त जो आया है, जाने पे उसके ये दिल बहुत रोया है, इश्क में ऐसा जालिम वक्त जो आया है, आगे की दो लाइन गौर फरमाना, चुरा के जिसे सबसे दिल में छुपाया था, उसको दुनिया से चुरा के मैंने अपने दिल में छुपाया था, कि चुरा के जिसे सबसे दिल में छुपाया था, छुपा के अब उसे दिल में दफनाया है। ये सारा ऑब्सेस्ड है पता नहीं इसको ना, आज एक मैंने चैनल लिखा था, इसको बहुत पसंद है पता नहीं क्यों, मुझे वो पढ़ते मतलब मैंने लिखा है जो भी लिखा है उस सिचुएशन पे लिखा था, वो ऐसा है कि मोहब्बत पे मेरी मैं दाग कैसे लगने दे सकता हूँ, मोहब्बत पे मेरी मैं दाग कैसे लगने से दे सकता हूँ, मैं आगे का भूल गया याद करने से भाई, मैं ये जो सिचुएशन मैं भूला ना उस पर मैं तुम्हें कुछ सुनाता हूँ।
कि होता है Spotify सर्च कर तेरा नाम डाल मिल जाएगा नहीं अबे कहाँ गया ऐसी है मेरी जिंदगी मेरा प्यार और मेरी शायरी बस ढूंढने में निकल गई अबे कहाँ गया दिमाग बहुत चलता है मैं जब लिखने बैठता हूँ ना एक मैं कुछ लिख ही नहीं पाता खाली टाइम में दिमाग बहुत चलता है तो ऐसा लिखा था कि कैसे बताऊँ उसको स्टार्टिंग से नहीं यार जब तक आप पहले वाले दो समझेंगे नहीं ना इसका मतलब आप मीनिंग लाइक यू कैन नॉट गेट दैट इंटेंसिटी ऑफ दोस वर्ड्स तो आईना कहाँ है हाँ ये सोच है ना अभी मतलब तुम्हारा प्यार सच्चा था बीट अ बॉय और अ गर्ल तुम्हारा प्यार सच्चा था तुमने किया बेवफाई उसने की जैसे हमने पहले बोला तो फिर हम लोग वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अभी तेरे सारे गुनाह मैं अपने सर कर लूँगा तेरे नाम पर कभी सवाल नहीं उठने दूँगा तेरे सारे गुनाह मैं अपने सर कर लूँगा तेरे नाम पर कभी सवाल नहीं उठने दूँगा बेफिक्र रहे तुझे कोई डर बात मतलब तुझे डरने की कोई बात नहीं तुझे शर्म होने मतलब शर्मनाक होने की कोई बात नहीं बेफिक्र रहे तू मेरा क्या मैं तो आईना हूँ ज़्यादा से ज़्यादा तू जाऊँ समझे क्यों पूछ रहा था मैं ये बोले नहीं क्यों फिर से सुन फिर से हाँ तेरे सारे गुनाह मैं अपने सर कर लूंगा तेरे नाम पर कोई सवाल नहीं उठने दूंगा बेफिक्र रहे तो मेरा क्या है मैं तो आईना हूँ ज्यादा से ज्यादा टूट जाऊंगा पता है हाँ एक और चीज़ बहुत लोग लिखते हैं मतलब शायरी वगैरह कुछ भी हो गया ये भी लिखता था ये है ना ये शायरी नहीं लिखता ये पोएट मतलब राइटर है बुक्स वगैरह लिखता है तो हमारे बीच में एक दिन कौन हमने बोला कि हाँ देखते हैं मैं भी लिखता हूँ तू भी लिख कौन किसका अच्छा है तो फिर इसने कुछ लिखा था इसने कुछ लिख के मुझे टैग किया इंस्टाग्राम पे हाँ हो गया तो फिर मेरा अभी रिप्लाई देना ज़रूरी था तो इसकी और इसकी फीलिंग्स और मेरी फीलिंग्स या तो फिर आप उनकी फीलिंग्स और मेरी फीलिंग्स में क्या करके इसमें दिख जाएगा कि तेरे कलम में जो स्याही भरी वो आंसू नहीं तेरे कलम में जो स्याही भरी वो आंसू नहीं तेरे अल्फाजों में छुपी किसी की पहचान नहीं तेरे कलम में जो स्याही भरी वो आंसू नहीं तेरे अल्फाजों में छुपी किसी की पहचान नहीं जो समझ रहा है तू दर्द वो दर्द ही नहीं जो समझ रहा है तू दर्द वो दर्द ही नहीं क्योंकि बिखरा है तेरा दिल बस मुझसे टूटा नहीं शुक्रिया बोल देते हैं मिल गया मेरा फेवरेट वाला आता है ऐसे ही होता है मिल गया कि जो मिले अगर जो मिले जो अगर वक्त अबे यार ये कट कर देना बाद में जो मिले मौका अगर वक्त में पीछे जाने का एवरीवन हियर लाइक वांट्स टू लाइक गो बैक एंड चेंज समथिंग एवरीवन एट सम हर चीज का रिग्रेट होता है किसी को कि हाँ मतलब दे वांट टू गो बैक इन टाइम एंड चेंज समथिंग अबाउट देयर लाइफ पर्टिकुलर कुछ भी हो गया तो मुझे लगता है मैंने कुछ घटिया सा खाया तो मुझे लगता है कि टाइम वापस जाए वो खाऊं ही ना छोटी से बड़ी चीज लेकर एवरीवन वांट्स टू गो बैक इन टाइम एंड चेंज तो मैंने लिखा था कि जो मिले मौका अगर वक्त में पीछे जाने का ये दर्द दिया जिसने उससे वाकिफ ही ना होने का nobody wants pain right nobody wants to suffer कि यहाँ पे मैंने लिखा है मिले जो मौका अगर वक्त में पीछे जाने का ये दर्द दिया जिसने उससे वाकिफ ही ना होने का जान के भी मंजिल मेरी उसके साथ कि जान के भी मंजिल मेरी उसके साथ पर फिर भी करता इंतजार उसी राह पे उसके आने का I know that I'll suffer. I know that I'll have this all. फिर मैं फिर भी वहीं पे जाके वही चूज करूंगा. To live that life.